अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम दूसरी जमात की उर्दू की किताब में से नज़म पढ़ रहे हैं, मुर्गा और बच्चा। सबसे पहले इसके खास अल्फाज पढ़ लेते हैं। बांग, आवाज़, अजान, मुर्गे की अजान। अबादत, अबादत है बंदगी, नमाज पढ़ना। गाफिल, गफलत, बेपरवाह, बेखबर। चैन, आराम। इताअत, बात मानना, किसी की फरमाबरदारी करना। चले आए आगे से अब हम नज़म पढ़ते हैं। एक बच्चे ने मुर्गे से कहा, प्यारे मुर्गे ये शोर है क्या? सुन सुन तेरी कुकड़ों को मैं सख्त परेशान होता हूँ। इस नज़म में बच्चा जो है मुर्गे से शिकायत कर रहा है, मुर्गे ये तुम क्या रोज़ शोर करते रहते हो, तुम्हारी आवाज़ सुनकर मैं सख्त परेशान होता हूँ। जब तारे छुपते होते हैं सब चैन आराम से सोते हैं, इस वक्त से तू चलाता है क्यों इतना शोर मचाता है? जब सुबह का बिल्कुल अभी सुबह होने वाली होती है, अभी तारे भी छुप रहे होते हैं, सब आराम कर रहे होते हैं, और उस वक्त तुम चलाना शुरू कर देती हो, क्यों शोर मचा रहे हो? मालूम हो आखिर बात है क्या, कुछ अपने दिल का हाल बता। मुर्गे ने सुना बच्चे का बयां, बोला ना हो नाराज़ मियां। बच्चा उससे कहता है कि मुझे बताओ आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है, कुछ अपने दिल का हाल बताओ, तुम क्यों इस तरह करते हो? तो मुर्गे ने ये बात सुनकर बच्चे को जवाब दिया कि आप नाराज़ ना हो, ये मैं जो शोर मचाता हूँ मालिक को पकारे जाता हूँ, ये मेरी इबादत है प्यारे, अल्लाह की इताअत है प्यारे। अब यहाँ पे मुर्गे ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि ये मैं शोर जो मचा रहा हूँ, ये मैं शोर नहीं मचा रहा, मैं अपने परवरदिगार, अपने रब की इबादत कर रहा हूँ। तो ना सिर्फ इंसान बल्कि चरिंद परिंद हर कोई अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ होता है, और मैं अपने अल्लाह की बंदगी कर रहा हूँ। जब सुबह को बांग मैं देता हूँ और नाम खुदा का लेता हूँ, तुम कितने गाफिल होते हो, मैं जागता हूँ और तुम सोते हो। तो वो बच्चे से कहता है कि तुम जो मुझसे शिकायत कर रहे हो कि मैं शोर करता हूँ, मैं शोर नहीं करता, मैं तो अजान दे रहा होता हूँ, मैं अपने रब का नाम ले रहा होता हूँ, और मैं जो हूँ एक जानवर हूँ और फिर भी अपने अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। तुम कितने बेपरवाह हो, कितने बेखबर हो कि तुम अशरफुल मखलूकात होते हुए भी अपने रब की इबादत से बेखबर हो, मैं जाग रहा होता हूँ और तुम सो रहे होते हो। अब हम इस नज़म के कुछ अल्फाज पढ़ लेते हैं, इसकी मश्क को हल करते हैं। बांग, इबादत, गाफिल, चैन, अताअत, शोर, आराम, नाराज, मालिक, मालूम, सुबह, मैं जागता हूँ तुम सोते हो, तुम कितने गाफिल होते हो। सवाल नंबर एक, मुख्तसर जवाब लिखें। पहला सवाल है, बच्चा किसके शोर करने से परेशान था? बच्चा मुर्गे के शोर से परेशान था। सवाल नंबर दो, मुर्गा किस वक्त शोर करता था? मुर्गा सुबह सहर के वक्त शोर करता। सहर का वक्त होता है जब अभी थोड़ा थोड़ा अंधेरा होता है और हल्की सी जो है वो अंधेरा कम होना शुरू होता है, तारे जो है वो छुप रहे होते हैं, तो वो वक्त होता है जब जानवर परिंद सब उठकर अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ हो जाते हैं। मुर्गे के शोर करने की वजह क्या थी? मुर्गे के शोर करने की वजह अल्लाह की इबादत थी, यानी कि वह शोर नहीं कर रहा था, वो अल्लाह की इबादत में मसरूफ़ था। सवाल नंबर दो, जुमले बनाएं। अल्फाज हैं, मालूम, मुझे मालूम है कि गिलास किसने तोड़ा है। इबादत, हमें सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी चाहिए। प्यारे, आसमान पे तारे बहुत प्यारे लग रहे हैं। नाराज़, हमें किसी को नाराज़ नहीं करना चाहिए। गाफिल, हमें इबादत से कभी गाफिल नहीं होना चाहिए। सवाल नंबर तीन है, मदज ज़ैल अल्फाज को उनके मुतज़ाद यानी उल्ट से मिलाएं। अल्फाज हैं शोर, शोर का उल्ट है खामोशी। जागना, जागना का मुतज़ाद है सोना।
अतात, अतात का मुजरात है नाफरमानी। रात, रात का मुजरात है दिन। तो आज के नज़म में हमने मुर्गे और बच्चे के बारे में पढ़ा था। आप इसके मुश्किल अल्फाज को कॉपी पर लिखकर इसकी दोहराई करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।